अब रोड पास आवेल रिको ग्रोथ सेंटर में काम करता मजूर की हत्या थता समग्र रिको एसोसिएशन द्वारा बंद पाड़ी विरोध दर्शावी आरोपी ने पकड़ी कार्यवाही करने की मांग करी है। अब रोड विस्तार मानव खाते रिको ग्रोथ सेंटर में काम करता बिहार छापरा धनंजय यादव चार महीना पहला रिको में मजूरी काम माटे आया था जे गत रात्रि ने पोतानी ड्यूटी पूरी करी अन्य मजूरों साथ फैक्ट्री थी परत फरी रहा था ते दरमियान चार थी पांच बदमाशों द्वारा लूटना इरादे हुमलो करता अन्य मजूरों पोतानो जीव बचावी भागी छूट्या परंतु धनंजय आनो विरोध करता लूटारूए तेने चक्कू मारता घायल करी भागी गया जेथी घायल दवाखाने लई जता तेनु मृत्यु थयु हतु। समग्र घटना ने घेरा प्रत्याघात पड़ता समग्र रिको एसोसिएशन द्वारा विरोध दर्शाता बंद पाड़ी आरोपियों ने पकड़ी सजा की मांग करता सिरोही जिला पुलिस वड़ा मावल खाते दौड़ी आया था और मावल पीआई ने आरोपी ने पकड़वा आदेश आप्या। चार महीने से हर रोज कुछ न कुछ घटनाएं बढ़ रही हैं, छीना झपटी की, लूटपाट की शाम के टाइम में विशेष होती है और पिछले डेढ़ महीने में दो तीन हादसे भी हुई है, मारपीट भी हुई है और कल तो अति ही होगी कि मजदूर की हत्या होगी। इसलिए हमारी सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से, रिको से सभी ये मांग है कि हमारी समस्या को इमरजेंसी तौर पर सुना जाए और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, नहीं तो यह इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। रिको क्षेत्र में सूचना मिली कि एक लड़के को चाकू मार के कुछ बदमाश आए, चाकू मारा है, काफ़ी सीरियस है। सूचना पे पुलिस पहुंची, लड़के को लेकर हॉस्पिटल गए तो गाँव को मृत्यु कर जो ये सूचना पहुंची श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय मैं खुद समस्त ऐसे सभी हम मौके पे आए, पता करा, रात पर दबी से दी गई, संदिग्ध लोगों को हमने इसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया है और आगे कार्रवाई जारी है। FIR दर्ज हो चुकी है और अभी कार्रवाई कर रहे हैं। चार महीने से हर रोज कुछ न कुछ घटनाएं बढ़ रही हैं।